बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल की नई जॉब्स के बारे में, और इसके साथ हम बात करेंगे पासवर्ड रिकवरी के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर, हमने पासवर्ड जो यूज़ किया था लास्ट टाइम वो हमें भूल चुका है और पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन वेबसाइट पर भी नहीं आ रहा, तो हम इसके लिए क्या करें। तो ये तमाम मालूमात आपको इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं, जिसके लिए जरूरी है कि वीडियो को मुकम्मल देखेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई जो अपडेट या इसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके साथ शेयर की जाए आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आपको बताया है, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहां पर आपने आकर क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड पर मौजूद तीन जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इन लाइंस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और आपको कैरियर का बटन नजर आएगा। इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। जब यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जॉब्स, ऑनलाइन जॉब पोर्टल और ऑनलाइन रिजल्ट, टेस्ट शेड्यूल या रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगा। PARC यानी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती है, खुद उसको शॉर्ट लिस्ट करती है कैंडिडेट्स को और खुद ही रिजल्ट अनाउंस करती है। इसलिए ये तमाम पोर्टल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने जॉब्स के बटन पर आ जाना है। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे, नई जॉब आपके पास शो हो जाएंगी। वॉक इन इंटरव्यू के तहत ये पोस्टें अनाउंस की गई थी, इनकी डेट्स अभी बाकी हैं। आप देख सकते हैं लास्ट डेट 21 मार्च, लास्ट डेट 20 मार्च, लास्ट डेट 20 मार्च, लास्ट डेट 11 मार्च। ये अभी सीटें मौजूद हैं, एक्टिव हैं, आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड का बटन आपको नजर आ रहा है, यहां से आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये एक पोर्शन आपका क्लियर हो गया, नई जॉब्स का आपको बता चुका हूं। यहां पर आप रीड कर लीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हों वो साथ लेकर आप अपने मुतलका पोर्शन में जाइएगा, यानी कि आपका जो वेन्यू हो वहां पर आप टेस्ट के लिए चले जाइएगा। और ऑनलाइन पोर्टल पर पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है, उसके लिए क्या तरीकाकार है, आप बैक करेंगे, थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास PARC का वो पेज ओपन हो जाएगा जिस पर आप अपना अकाउंट से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर CNIC और पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम CNIC के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा CNIC इंटर करना होगा और जो पासवर्ड है वो आप इंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर, तो रिकवरी का ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है। इस सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी कॉल्स की हैं PARC इस्लामाबाद में, पासवर्ड रिकवरी का इस वेबसाइट से कोई सोल्यूशन नहीं है। तो डियर फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पासवर्ड और जो यूज़र नेम हो वो अपने पास लिख लिया करें, क्योंकि यूज़र नेम मोस्टली आपका CNIC होता है लेकिन पासवर्ड चेंज होता है। तो पासवर्ड आप जो भी रखें वो आप अपने पास याद रखा करें। और इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, इस वेबसाइट से रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कल भी कॉल्स की हैं, आज भी मैंने कॉल्स की हैं, उन्होंने जो नंबर मुझे दिए हैं ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शायद साहब बहुत शुक्रिया सर बात सुनने के लिए। सर पासवर्ड रिकवरी का सर कोई ऑप्शन हो कोई अगर तो सर प्लीज वो दे दें, तो अगर कोई ऑफिस का नंबर है तो वो दे दें जहाँ से रिस्पॉन्स मिल सकता हो सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। या तो फिर प्रोसीजर बता दें, बेशक वॉइस पे बता दें, या कोई कोई भी इसी तरह का लिंक या सोर्स है तो काइंडली वो बता देते, आपकी मेहरबानी होती सर, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है सर, आप बेहतर समझ सकते हैं सर। तो अब एक बार अकाउंट रजिस्टर हो जाए तो सर दोबारा वो बन नहीं सकता, तो क्योंकि ID कार्ड से सर बनता है वो, मेहरबानी करके सर कोई भी सोर्स, कोई भी तरीकाकार अगर है तो काइंडली सिर्फ एक वॉइस छोड़ दें सर, आपकी मेहरबानी होगी। इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं, ये PARC के ही ऑफिशियल से मैंने ये नंबर लिए हैं, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। मैंने काफी सारी कॉल्स की हैं और उनको बताया है कि इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो अपडेट के हवाले से भी मैंने बताया है कि इस तरह का एक ऑप्शन आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए पासवर्ड रिकवरी के हवाले से। मज़ीद आप इन नंबर्स पर कॉल करके ना अपना मैटर सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली जो अपडेट या इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।